श्री पीरी दे मालक साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पावन अस्थान ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी में सज बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत इतिहास के पन्ने अर्ज करन तो पहला साहब एक माल गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन पवित्र बख्शिश राही मन बिरतियां की एकाग्रता वास्ते आप जी तो असीस मंगने हैं। सारी सिख संगत एक आवाज विच कहो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिथे अज आप साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के पावन अस्थान से उन्हों की याद भी जोड़ मेला मना रहे हाँ उथे अज चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश पुरब भी आप सारिया संगतों को चौथे पातशाह सोढ़ी पातशाह गुरु हरगोबिंद गुरु रामदास महाराज जी के मुबारक जन्म दिहाड़े दियाँ लख लख मुबारक। इस दे नाल नाल अरदास भी करदे हां कि सच्चे पातशाह आप सारिआं नूं गुरसिखी जीवन ते नामदान बख्शन। बड़े लंबे अरसे तो बाद तुहाडे दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया। मैनूं याद है उदों भाई महेंद्र सिंह जी प्रधान सन ते सुरेंद्र सिंह जी हुणां ने जाके सानूं हुकम कीता नगर कीर्तन की हाजरी भरन वास्ते। असीं सारा दिन नगर कीर्तन की हाजरी भरी। बाबा गुरनाम सिंह जी डरोली भाई वाले महापुरशां ने सानूं हुकम लाया तुहाडी खिदमत विच हाजिर होए। लंबे अरसे तो बाद सबब बनिया ते सबब बनन दा कारण साबका सरपंच साहब सरदार स्वर्ण सिंह जी उन्हां दे बरखुरदार बेटे भाई इंद्रजीत सिंह जी कैलगिरी कनेडा वाले जिन्हां ने फोन राही सानूं हुक्म लाया ते असीं तुहाडी खिदमत विच हाजिर होए। विशेष तौर पर भाई इंद्रजीत सिंह जी हुणां ने भाई अवतार सिंह जी हुणां ने अज दे दीवान विच साहिब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का इतिहास तुहाडी नज़र पेश करन दा हुक्म कीता है। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का इतिहास अर्ज करन लई तुहाडी खिदमत विच हाजिर हां। गुरु महाराज जी के इतिहास विचों साहिबां दी दूजी जंग का वर्णन करन लगे हाँ जिहड़ी महाराज नूं श्री हरगोबिंदपुरे की पावन धरती ते लड़नी पई। लड़नी पई शब्द मैं इस लई वरत्या है कि महाराज जंग दे हामी नहीं सन, हमेशा ही जंग नूं टालदे रहे। जदों जंग आ के गल पै जांदी रही ते महाराज नूं लड़नी पई। चार जंगा अपनी हजाती विच छेवें पातशाह महाराज नूं लड़नियां पईआं। ते याद रखना लड़ाई दा कोई ना कोई कारण जरूर हुंदा है। लड़ाई भावें दोहां जीआं विच होवे, चाहे किसी परिवार नाल होवे, किसी पिंड दी होवे, किसी देश दी होवे, किसी कौम दी होवे, कारण बड़ा छोटा जिहा हुंदा ते उह वधदी गल लड़ाई तक आ जांदी ते लड़ाई दे सिट्टे बड़े भयानक निकलदे। जिहड़ी महाराज नूं दूजी जंग लड़नी पई उसके कुछ कारण सन, कारण सांझे करके मजमून आरंभ करांगा। पंचम पातशाह साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अपनी हयाती विच तीन नगरां दी उसारी कीती। पहला तो 1591 ईस्वी में साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने श्री तरन तारण साहब महान नगर की उसारी करवाई। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने दुआबे की धरती से करतारपुर नगर वसाया और तीजा नगर गुरु अर्जन देव महाराज जी ने एक होर वसाया सी जिदे बारे में इतिहास बहुत खुल के जिक्र नहीं करता। ज्यों ज्यों इतिहास की गहराई तक जावांगे सानू उस नगर की जानकारी मिलेगी। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी ने ब्यासा के पछमी तट उत्ते एक नगर वसाया जिदा नाम गुरु अर्जन देव महाराज जी ने गोबिंदपुरा रखिया। अजे नगर वसाया सी कुछ घरां दी आबादी कायम हुई सी जां पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जहांगीर बादशाह ने लाहौर बुला लिया और महाराज की जागीर महाराज के उसारे हुए नगर जिहड़े सन जप्त कर ले गए और पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज नूं शहीद कर दिता गया। फिर छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी गुरगद्दी ते बैठे। आप सारे जानते हो कि बिना वजाहत साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं ग्वालियर की जेल में हिंदुस्तान के बादशाह ने बंद कर दिया। जदों महाराज जी ग्वालियर की जेल तो रिहा हो के मजनू के टेले ते हिंदुस्तान के बादशाह जहांगीर नूं मिले उत्थे विचारां होईआं ते बादशाह दे दिल विच जिहड़े शंके सन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उह शंके दूर कर दिते ते बादशाह दी गुरु प्रति श्रद्धा ते प्यार विच बड़ा वड्डा वाधा होया। तकरीबन 6 महीने के करीब गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी जहांगीर बादशाह के नज़दीक रहे। इन्हां दिनां विच गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अनेक कौतक दिल्ली ते इर्द गिर्द दे इलाके विच कीते। जदों महाराज जी तुरन लगे 500 अकबरी मोर, 2 बड़े वधिया घोड़े और इस दे नाल नाल दशाले भी महाराज की भेटा कीते ते सच्चे पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जदों तुरन लगे बादशाह ने लिखती रूप विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं लिख के दे दिता
कि जेडे तुहाडे इलाके जब्त किए गए सन उन्हां दे मालक तुसीं होवो। तो साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी पंजाब की धरती ते आए, इतिहास बड़ा लंबा है। अमृतसर की जंग लड़न तो बाद मीरी पीरी के मालिक साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी गोइंदवाल साहब की पावन धरती ते आए। इत्थे महाराज ने वड्डे साहिबजादे गुरदित्ता जी और अपने परिवार को ठहराया, इत्थे छड्ड के उन्होंने महाराज जी करतारपुर की पावन धरती से चले गए। करतारपुर की जो धरती से गए अमृतसर की जंग लड़न तो बाद पेंदे खान भी महाराज ने अपने पिंड भेज दिता। तो गुरु की साजी नवाजी साध संगत साहब गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने विचारिया भी जेड़ा अगला बरसाती मौसम आने वाला है, ना तो बलदा नूं एक थां तो दूजी थां ते खड़िया जाना है, घोड़े की सवारी करनी ना मुमकिन होगी, चिकड़ ते खोभा होगा पदरे इलाके विच करतारपुर की धरती से। इत्थे घोड़िया के सौंभ ते बलदा के खुर खराब हो जाएंगे, ना शिकार खेडा जा सकता है, तो कोई ऐसी थां जिथे जाके ये बरसाती मौसम दे टिकाणा किया जा सके। महाराज नूं उस नगर की याद आई जिहड़ा गोबिंदपुरा साहब गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वसाया सी। उह ब्यासा दे पछमी तट उत्ते सी, रेतला इलाका सी, एक पासे ब्यासा दरिया की ढलाण है, लागे शिकार खेडन वास्ते जंगल है और खुला मैदान है, तो महाराज नूं उह इलाका बड़ा पसंद आया। साहब गुरु अरगोबिंद साहब महाराज जी 1630 ईस्वी नूं चलदे चलदे गोबिंदपुरे की पावन धरती दे जा पहुँचे। भगवान दास घेरड़ जो चंदू का मित्र सी उहदा उस इलाके उत्ते पूर्ण कब्जा हो चुका सी। चंदू ने गोबिंदपुरा उजाड़ के अपने मित्र नूं कह के उत्थे रहेल नगर वसा दिता, ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज कोले लिखती सारे सबूर सन। जे महाराज जी उदा ही जाके उत्थे नगर की असारी करवाउणी आरंभ करवा दिंदे ते महाराज वास्ते बड़ी वड्डी गलती सी। गुरु अर्जन देव महाराज जी ने वह जमीन मुल खरीद के उत्थे नगर की उसारी करवाई सी, ते बादशाह ने वह सारिया लिखतां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं दे दित्तियां सन। इस करके छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं सद के उन्हां कोलों अरदास करवाई। बाबा जी ने की अरदास, महाराज ने टप लाया, नगर की उसारी का काम शुरू होने लगा। तो बाबा बुढ़ा जी ने एक बेनती की भी सचे पातशाह मेरी भी एक बेनती स्वीकार करनी। तो महाराज ने आख्या कहो बाबा बुढ़ा साहब जी तुहाडा की हुक्म है। तो बाबा जी ने आख्या पंचम पातशाह ने इस नगर का नाम गोबिंदपुरा रखिया सी, ते मेरी ये बेनती है भी ये हार ला दिता जाए ता कि तुहाडे नाम उत्ते ये हरगोबिंदपुरा पै जा। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बाबा बुढ़ा जी की बेनती स्वीकार करके उस नगर की उसारी करदिया उहदा नाम हरगोबिंदपुरा रख दिता। उसारी का काम चल रहा सी, जखीरा इकट्ठा करके राज मिस्त्री दीवारां की उसारी कर रहे सन। दीवान चंदू का रिश्तेदार ते उहदा मित्र भगवान दास घेरड़ जदों उन्हें इस गल का पता लगा, साहब गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह महाराज के पावन दरबार में अपने बंदियां नूं नाल लैके पहुँचा। इहदे बाडीगार्ड इहदे रखक बंदे जिहड़े सन उन्हां नूं इहने दीवारां ढाउण दा हुक्म दे दिता। आप चलदा चलदा महाराज के दरबार में आया, ना गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं सिजदा किया, ना नमस्कार की, ना सत करतार आख्या। चलदा चलदा हजूर के नज़दीक आ गया भगवान दास घेरड़, ते मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की शान विच अपनी चंदरी जबान तो कुछ शब्द आखन लगा। की आख रहा सी भगवान दास घेरड़? चौधरी इलाके दा वार दी चाल विच लाइनां अर्ज कीतियां जा रहियां ने, इथों मजमून दा आगाज किया जा रहा है। हरगोबिंदपुरे की पावन धरती की उसारी कर रहे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी, उन्हां दे पवित्र दरबार विच पहुँच के भगवान दास घेरड़ दीवान चंदू का मित्र गुरु हरगोबिंद साहब महाराज की शान विच कुछ माड़े शब्द इउं आखन लगा।